है शेयर व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी पटना में मंगलवार की शाम एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि एयरपोर्ट से लौटते वक्त शास्त्री नगर अंतर्गत पुनाई चाक इलाके में स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट के निकट अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग कर अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में रुपेश सिंह को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष इस घटना को लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अस्पताल जा पहुंचे, परिवार से मिले और संवेदना व्यक्त की। यहां पप्पू यादव ने कहा कि सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय एव सचिवालय है। बगल में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी की हत्या से जाहिर होता है कि बीजेपी जेडीयू सरकार अपराधियों का शार्गिद है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी कर और सक्षम है बिहार की पुलिस अपराधियों को खत्म करने के, बस हाथ रोकी हुई है इन पॉलिटिशियन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई ये पॉलिटिशियन सबको हाथ रोकता है, इसको आप समझिए। जिस दिन चाह लेगी पुलिस उस दिन समाप्त कर देगी अपराध, लेकिन आप अपराधियों के बदौलत पूरा का पूरा दल बनाइएगा नेताओं और पूरा पॉलिटिशियन के मातहत अपराधी चलेगा, तो आप पुलिस को जबरदस्ती कितना गाली दीजिए, जबरदस्ती वाली बात है क्या? क्या कारण है सर, क्या लगता है हत्या के पीछे? इनका सबसे संबंध था, पॉलिटिकल वे भी था, पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल लोगों से इनकी काफी अच्छे संबंध थे, और मुझे लगता है कि कोई कॉन्वेंस तो है, कोई छोटा अपराध तो ये नहीं, किसी छुटभैया अपराधी आके गोली मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मरवाना चाहता था और पूरी मारने की साजिश थी। कौन मरवाया, कहां जा रहे हैं? मैं पारस जाऊंगा, मुझको लगा यही है इसलिए मैं यहाँ आ गया। कौन मरवाया? अब ये तो जांच का विषय है, ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ी साजिश है। और एक बार तो सारे कामों को छोड़ के नीतीश जी को अपराध के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। कल जो हत्याकांड हुआ है, इसकी हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। लेकिन आप लोग देखे होंगे, हमने लगातार हर बार एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, फिरौती, रेप, गैंग रेप, व्यवसायिकों की हत्या, उनसे रंगदारी जब तक सैकड़ों की संख्या में नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए, और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई,
उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल।